लेकिन पहले मैं जरा किसानों की समस्याओं की तरफ जाना चाहती हूं और उस मंडी अधिनियम की बात करना चाहती हूं जो पूरे देश में नहीं दिखा, पहली बार हम यहां पर देख रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि आप अगर हमें समझा पाएं कि ये क्या है। श्वेता जी, ये चुनौती है, इस चुनौती को अवसर में हमको बदलना होगा। और ये कोई सीखना है चाहे तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी से सीखे। दुनिया के अद्भुत और अद्वितीय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे वैश्विक नेता जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को दिशा दिखाई, वो मैन ऑफ आइडियाज है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण ही कोरोना को भारत में नियंत्रित किया जा सका। नहीं, दुनिया के बाकी देशों में जो संसाधनों से भरपूर है, अमेरिका जैसी महाशक्ति भी जिस कोरोना के सामने नतमस्तक हो गई, वहाँ नरेंद्र मोदी जी ने बेहतर नेतृत्व करके, शानदार नेतृत्व करके हमको बचाने का काम किया है। लेकिन उनके मन में भी ये भाव है कि चुनौती को अवसर में बदलो। मेरे मन में भी आया कि चुनौती को अवसर में बदला जाए। एक तरफ तो हमने किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ दिया, लगभग 2,990 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाले, 0% ब्याज पर कर्जा दिया, कटाई वगैरह उनकी फसल की ठीक से हो जाए इसका हमने इंतजाम किया, उनका साथ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे किसान मंडी में जाके अपनी फसल बेचता था तो मंडी में लंबी लंबी लाइन लगती थी, 3-3, 4-4 दिन लग जाते थे। कई बार मंडी प्रशासन और वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी रहते थे उनके साथ न्याय नहीं करते थे, ज्यादती होती थी। और इसलिए हमने कोरोना का फायदा उठाते हुए, मुझे लगा कि अवसर है जब मंडी में खरीदी की बाध्यता हम समाप्त कर दें। मध्य प्रदेश में मंडी एक्ट में हमने संशोधन किया, मंडी तो रहेगी लेकिन प्राइवेट मंडियां भी अब खोली जा सकेंगी। हमने इस बात का प्रावधान किया, हमने इस बात का प्रावधान भी किया कि किसान और व्यापारी अगर दोनों में आपसी सहमति है तो किसान क्यों जाए मंडी में, लाइन लगा के क्यों खड़ा रहे, वहाँ नीलामी क्यों करवाए अपनी फसल की। व्यापारी किसान के घर आए और मोल भाव करके किसान और व्यापारी का सौदा पट जाए तो सीधे घर पर ही खरीद ले, किसान के खेत से फसल खरीद ले। और इसके लिए व्यापारियों को हम एक ही पूरे प्रदेश के लिए एक लाइसेंस देने का हमने प्रावधान किया है। एक लाइसेंस पे व्यापारी पूरे प्रदेश में कहीं भी फसल खरीद सकेगा। हमने ई ट्रेडिंग की व्यवस्था की है कि भोपाल में बैठा या सीहोर में बैठा हमारा कोई किसान है तो चेन्नई के भाव देख सके और ई ट्रेडिंग के माध्यम से चेन्नई के रेट पर चेन्नई में अपनी फसल बेच सके। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसान को कई विकल्प दिए हैं, व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो चीज़ों के दाम, किसान के अनाज या बाकी चीज़ों के दाम उसको ठीक मिलेंगे। फल और सब्जी भी किसान मंडी में जाके नहीं अपने खेत पर ही बेच सकेगा। ये व्यवस्था हमने की है और मैं मानता हूँ कि क्रांतिकारी कदम है जिसका लाभ किसानों को होगा। किसानों की ये बात है, उद्योगों को लेकर क्या कुछ है? क्योंकि जान प्राथमिकता है लेकिन क्या जहान बचाने की तैयारियां शुरू कर ली हैं आपने? उद्योगों को लेकर क्या प्लान है, कैसे कैसे किस चरण में खुलेंगे ये? हमने 3 तरह के प्रयास किए। एक, व्यापक पैमाने पर मनरेगा की मजदूरी हमने देना शुरू कर दी। कल 9 लाख से ज्यादा मजदूर हमारे काम कर रहे थे मनरेगा में ताकि रोजी रोटी की व्यवस्था हो। मजदूरों के खाते में संनिर्माण कर्मकार मंडल के जो हमारे मजदूर हैं उनके खाते में हमने पहले 1,000 रुपये डाले, फिर 1,000 रुपये और डाल रहे हैं। बाहर जो श्रमिक थे उनके खाते में भी हमने 1,000 रुपया, मध्य प्रदेश के बाहर जो श्रमिक थे उनके खाते में डालने का काम किया। निर्माण के काम हमने व्यापक पैमाने पर ग्रीन जोन में प्रारंभ कर दिए, अब ऑरेंज जोन में भी प्रारंभ करेंगे। लेकिन फिर मैं यह कह रहा हूँ कि इस चुनौती को हम अवसर में बदलेंगे और लेबर लॉज में इसलिए हमने व्यापक पैमाने पर संशोधन करने का फैसला किया है। मेरे दिमाग में विचार है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि हम अगर कोई मध्य प्रदेश में अभी निवेश करता है और हमारे लोगों को रोजगार देता है तो 1,000 दिन तक लेबर लॉज लागू नहीं किए जाएंगे। मिनिमम वेजेज देने की व्यवस्था ज़रूर हम एश्योर करेंगे ताकि लोगों को रोजगार मिले, निवेश जल्दी आए। हमने उद्योगपतियों से, MSME के जो छोटे उद्योगपति, उनसे भी व्यापक पैमाने पर चर्चा की, उनकी जो समस्याएं आई उनका समाधान करने का प्रयास किया। हमारी रेड जोन के बाहर जितनी इंडस्ट्रीज थी उनमें से अनेकों हम प्रारंभ कर चुके हैं, बाकी भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। लेकिन लगी हुई इंडस्ट्रियाँ केवल चालू नहीं करना, नया निवेश कैसे आए आज पूरी दुनिया में चर्चा है। चीन के खिलाफ एक वातावरण है, चीन से कई इंडस्ट्री दुनिया के दूसरे देशों में जाना चाहती है। हम इस अवसर का लाभ उठाते हुए कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की निवेश नीति हमारी ऐसी हो कि जिससे इन्वेस्टमेंट हम मध्य प्रदेश आमंत्रित करें और अपने लोगों को यहाँ रोजगार देने के व्यापक प्रबंध कर सकें।